नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हिम्स डेराबसी नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट देखता हूँ। और हिम्स एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लोग पंचकर्मा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, डाइट एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी एलोपैथी का भी यूज़ करते हैं पेशेंट्स को रिवाइव करने के लिए। और डॉक्टर बीआरसी सर के ग्रैड ऐप को देखकर, ग्रैड प्रोटोकॉल्स को देखकर आकर असंख्य संख्या में लोग, मैक्सिमम लोग हमारे पास आते हैं किडनी के पेशेंट्स, ना केवल इंडिया से बट देश विदेश से भी। उन्हीं में से एक पेशेंट हमारे पास बांग्लादेश आए हैं। क्या नाम है आपका? सईद। सईद, ओके, कहाँ बांग्लादेश आए आप? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर किडनी का प्रॉब्लम थी। किडनी की प्रॉब्लम थी, कब पता लगा आपको किडनी के बारे में? सर 4 महीने पहले। 4 महीने पहले, ठीक है। क्या दिक्कत, सिम्टम्स क्या होते थे? सिम्टम्स जीप वाइट हो गया था और जी ब्लड, वाइट हो गया था, हाँ ब्लड कम हो गया था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, ठीक है। और यूरिन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही थी? नहीं सर। लैब में टेस्ट कराया फिर जाके, तो हाँ क्रिएटिनिन वगैरह हाई आया, हाँ तो डॉक्टर को दिखाया आपने, क्या बोलते डॉक्टर फिर? उन्होंने तो बोला डायलिसिस करने को, और डायलिसिस स्टार्ट भी हुआ दिन में। डायलिसिस स्टार्ट हो गया था आपका? कितना डायलिसिस होता था? पहले हफ्ते में 2 होता था, उसके बाद हफ्ते में 3 कर दिया। ठीक है, 2 डायलिसिस, फिर 3 डायलिसिस हफ्ते में होने लग गया, ठीक है। तो आपको यहाँ हिम्स के बारे में कैसे पता लगा? मैं जब डायलिसिस करने को गया था तो उधर एक आंटी मिला, आंटी ने बोला था हाँ इधर जाओ, इधर अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आप हमारे हिम्स डेराबसी में कितने दिन रहे? हमारे पास 7 दिन। 7 दिन रहे। तो इस 7 दिन में आपको क्या फ़र्क पड़ा? 7 दिन में सर बॉडी ऑलमोस्ट एनर्जेटिक हो गया, ओके, और जो डायलिसिस 8 तारीख को हुआ और 14 तारीख को हुआ, ठीक है फिर ना, कि मैं हफ्ते में एक अब डायलिसिस हो गया, पहले जो 3 होते थे वो रिड्यूस होकर अब एक हो गया एक हुआ 7 दिन में, आपको ये फ़र्क पड़ गया। और बॉडी में फिजिकल और क्या फ़र्क पड़ा? सर, फिजिकल ऑलमोस्ट एनर्जेटिक हो गया, और इस खुद अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी लग आपको रहा है। लगता है कि जो हम लोग ने डाइट, जो थेरेपी, जो योगा हम बताते हैं उसको फॉलो करके आप एकदम फिट हो सकते हो, ठीक हो हाँ सर। सकते हो, और धीरे धीरे आपका डायलिसिस भी खत्म हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। और आप इनके फादर हैं, जी हम आप क्या तो बुलाएंगे बताएंगे इसके बारे में, यहाँ के हम तो एक्सपीरियंस के ये बारे बच्चे को लेके कोई 4 महीने से घूमता ही। में? हम बांग्लादेश से बहुत मेडिकल में गया, सबने बोलता है क्या वो डायलिसिस नहीं तो ट्रांसफर नहीं। या ठीक है, डायलिसिस फिर करो या ट्रांसप्लांट हाँ करो, इधर से हम बेंगलोर गया, बेंगलोर में भी बोला था ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, हम तो बेंगलोर से फिर दिल्ली आया, ठीक मैक्स हॉस्पिटल में, ठीक है। मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने डायलिसिस 3 कर दिया, फिर भी बोलता है डायलिसिस ये इसका ट्रांसफर करना, ट्रांसफर होगा कोई कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, कहते इसके फिर अलावा कोई हाँ उधर रास्ता, एक दीदी मिला तो बोलता है तुम इधर हिम्स में जाओ। हम ठीक बोले है। हिम्स किधर? हम लोग बांग्लादेश, हमको मालूम नहीं है किधर का किधर। बोलता है डेराबसी में जाओ। डेराबसी किधर है? बोलता है वो दूसरा स्टेशन ये क्या, अंबाला, अम्बाला, हाँ अम्बाला नहीं है चंडीगढ़, ठीक चंडीगढ़, चंडीगढ़ जाओ। फिर चंडीगढ़ आया रेलवे स्टेशन में, उधर घूम के घूम के आपका दूसरा एक ये है स्टेशन। बैठे, उधर उधर गया, उधर से इधर एड्रेस दिया, इधर आया गाड़ी लेके। फिर है, इधर आके देखा, हम लोग आए असली इसको देखाने के लिए, ये इधर भर्ती होने के लिए नहीं है। फिर जो मैडम ने बोला डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले तुम भर्ती हो जाओ, तुम्हारा हालत अच्छा नहीं है। फिर बच्चों को छोड़ के हम गया फिर दिल्ली में, अच्छा, ठीक फिर उधर हमारा बीवी बच्चा है, है, उधर उधर से फिर इसको इधर छोड़ के हम पैसा भी नहीं लेके आया। तेरा 5,000 रुपया दिया, बोलते तुम 5,000, तुमको पैसा जितना है पैसा नहीं दो, फिर भी तुम इधर बच्चे को छोड़ के जाओ। फिर छोड़ के गया हम पर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर पैसा भेजा एप्स में, फिर ये हम फिर 2 दिन का बाद 3 दिन के बाद फिर आए। आपको कैसा लग रहा है आपका बच्चा? बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत फर्स्ट क्लास है हमारा। हम बांग्लादेश में जिधर जाओ हम आपका ये इसका जगह का नाम हम बता दूंगा, आदमी लोग बहुत आएगा अब आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह। मुसलमान है हम बोलता है ये ठीक हो जाएगा, सिर्फ ये फॉलो करना है आपका, ये बिल्कुल, यही डिसिप्लिन को फॉलो करना है। फॉलो यहाँ करना का है। जो स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर्स, उनके बारे में क्या कहेंगे, यहाँ के बहुत थेरेपीज अच्छा के है, बारे में? बहुत अच्छा है, ऐसा आदमी बहुत कम है, इतना डिसिप्लिन करके इतना अच्छा करके बात करता है ये लोग, इतना पेशेंट को आदमी को इतना हेल्प करते, ये बताने का तो जो भाषा लोग नहीं। आपको सुन रहे हैं, ना केवल इंडिया में बट बांग्लादेश में भी, बंगाली में कुछ, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बांग्ला में तो हमें मैसेज देबो मैंने एखे आसार जो एखे एखे जो किडनी पेशेंट आसे सबा एखे जान आसे और सबको आना चाहिए। पृथ्वी तो कोथाओ ए रखम हो ना। हमें जेटा बोलते पृथ्वी तो कोथाओ एत एत आराम एत आईस এবং এত এত তাড়াতাড়ি ভালো হবে কিডনি রুগী, এটা বলার বাইরে। এটা আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি। গ্রেট,
देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपके सामने ही हमारे पास पेशेंट है और हजारों की संख्या में पेशेंट जो सीकेडी के पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स आते हैं और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। हिम्स डेराबसी में ग्रैड प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग किडनी को रिकवर करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।